कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी कई लोग प्रतिदिन लालच के चक्कर में आकर धोखा खा ही जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य बुधवार को पुष्कर के निकटवर्ती गांव गोविंदगढ़ के खलील अहमद के साथ हुआ। खलील के मोबाइल पर ठग गिरोह के किसी व्यक्ति का कॉल आया कि उसके नाम लॉटरी खुली है, जिसमें उसने 61,000 रुपए जीते हैं। बस फिर क्या था, खलील ने खुशी से ठग की बातों में आकर 18,000 रुपए उसके बताए अनुसार बैंक खाते में जमा करवा दिए। जैसे ही खाते में पैसे जमा हुए, उस व्यक्ति का फोन ऑफ हो गया। खलील ने ठग के बारे में जानकारी जुटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उसे निराशा ही हाथ लगी। कंपनी से वो बोला, मैसेज आया है कि कस्टमर, मैं बोल रहा हूँ वोडाफोन कंपनी से, आपका नंबर लकी चुना गया है, आपको लोकल एसटीडी फ्री की जाती है आपकी, और 101 रुपए का रिचार्ज करा लो, 101 रुपए रिचार्ज आपके 115 रुपए कुछ है जो आपके अकाउंट में से काट लेता हूँ। उन्होंने काट लिया, 15 रुपए हमारे अकाउंट में रख दिया, तक के फिर बोला लोकल एसटीडी चेक करो आपके फ्री हो गया क्या, तो मैंने बोला फ्री हो गया, चेक करो आप, लोकल लगा के देखा फ्री हो गया। तो फिर उसने दो दिन बाद किया, आपका नंबर लकी में चुना जा रहा है, आपका नंबर लकी में वोडाफोन कंपनी से चुना जा रहा है, आप ऐसे करो कि आपको कल परसों इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी कि आपको आपका नंबर लकी हो गया। दो दिन बाद हमारे पास फोन आया कि आपका नंबर चुना गया है, आप 6,000 रुपये पंजाब बैंक में कहीं भी जमा करो और 61,000 रुपये प्राप्त कर लो, बचा 55,000 रुपये तुम्हारे ड्रा निकले हैं। इससे कल मैसेज आया 10,000 रुपए करो। आज सुबह उसने फोन किया कि आप पंजाब नेशनल बैंक में कहीं पे जाके और ये 10,000 का बॉन्ड जमा करो, मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। उसने ये रसीदे दिए मेरे को और फॉर्म भरवाया और फिर 10,000 रुपए उसने ये भरवा लिया। फिर भरा के 2-3 बजे 4 बजे उसने बोला कि यार आपका वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे करो कि आप 8,000 रुपये और उसमें डलाओ तो आपको कुल 83 या 84 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आपको। इसलिए हमने कुल 18,000 रुपए जमा करा दिए बाइक के, आज की तारीख में। अभी आपके पास कोई आदमी आया था क्या इसके लिए? कुछ आदमी कुछ नहीं आया, केवल इन्फॉर्मेशन आई थी मोबाइल से। हाँ, नंबर से वो उसने अभी सिम बंद कर दी सर। सिम ही बंद कर दी। कहाँ से बता रहा था वो अपने आपको? वो जयपुर से, वो मालवीय नगर से बता रहा था, वोडाफोन कंपनी से।